तो फैमिली आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये ग्रीन इगुआना बेबी हैं जो कि एक लिजार्ड की ब्रीड है और इनको लोग एज अ पेट रखना पसंद करते हैं बिकॉज ये बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, लाइफ स्पैन भी इनकी अच्छी होती है। तो इसमें वेरिएंट की बात करें तो कलर बहुत सारे आते हैं, ब्लू आता है, रेड आता है, लुटिनो आता है, स्नो आता है, क्रिम्सन बेली आता है और एक ये ग्रीन कलर आता है। तो सबके रेट अलग अलग होते हैं, सबसे जो कम रेट का होता है वो ग्रीन होता है, उसके बाद रेड है, ब्लू है। तो सब जो जो मतलब सेल करते हैं या जो ब्रीडर है सबका अपना अलग अलग होता है कि क्या रेट वो दे रहे हैं। तो हम बात करते हैं, ये भी अवेलेबल हैं, फोर सेल हैं जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो ये अभी 12 से 13 इंच के बच्चे हैं जो कि मेरे ख्याल से समथिंग 3-3.5 महीने के होंगे। इनकी लाइफ स्पैन की बात करें तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है 15-20 साल इनकी एज होती है और बहुत अच्छे से रहते हैं। इनकी साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ जो जाता है वो समथिंग मेल का जो जाता है 5-6 फीट तक जाता है, 5.5 फीट ऐसे एक इनका जो साइज़ है वो जाता है। और ये एक ड्रैगन की तरह हो जाते हैं, अभी ये बहुत छोटे हैं लेकिन इनका साइज़ आता तो भाई साहब बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ख़तरनाक लगते हैं। हालांकि ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बहुत काम नेचर के होते हैं और बहुत ही प्यारे, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। और खाने की बात करें तो ये सब्जी खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, मांस वगैरह नहीं खाते हैं। और इनको बिकॉज ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो इनको धूप की बहुत ज़रूरत होती है, धूप आप नहीं दे सकते हैं तो यूवी लाइट की ज़रूरत इनको पड़ती है। और इनकी आप ब्यूटी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वाइब्रेंट कलर है ग्रीन का और कितने प्यारे हैं। और इनके सर पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि कहते हैं तीसरी आँख, तो इनकी भी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हेड पे एक ये डॉट सा बना होगा, ये इनको तीसरी आँख बोला जाता है। और ये हीट भी एब्जॉर्ब करते हैं तो इनको खाने वाने में बहुत ही आराम, मतलब हीट इनका बहुत ही फ़ायदा होता है और इनके लिए हीट बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि कुआ होगा कि अपनी खाल उतारता है, स्किन रिलीज़ करता है, वैसे इनके साथ भी होता है, ये भी करते हैं, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और इनको पानी में डिप करना पड़ता है गर्मी के तौर पे, बाकी ठंडी में इनको लाइट और खाना दीजिए तो ये बहुत ही अच्छे पेट बन सकते हैं, आप इनको रख सकते हैं, यूनिक भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि ये मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर आपको इसको परचेज करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे कर सकते हैं। और लोकेशन इनकी लखनऊ है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी पॉसिबल है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं पॉसिबल है। और अगर आप लखनऊ से हैं तो आप आके डायरेक्ट पिक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।